श्री संतोष राही जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए संतोष भैया का। आइए सुनते हैं दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी को। सभी को प्रणाम करता हूं। मंचासीन सभी मेरे कीर्तन साथी कलाकार सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरा भी नंबर लगा दिया गया है और मैं तो सोच रहा था कि जवाबी का एक दो दौर कम से कम हो जाते, इसके बाद हम लोगों का नंबर आता, लेकिन अब चूंकि वो लाइन ही बन गई है। नहीं, ऐसा हुआ ना दादा कि वो स्थान झांकी ने ले लिया, फिर समय बच नहीं रहा था, इसलिए जो है आपकी उपस्थिति होना अति अनिवार्य था और ये जरूरी भी था। चलिए एक छोटा सा गीत मैं अपनी ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, निवेदन करूंगा निशा भारती जी, आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आप आती हो, फिर जा रही हो पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, आप लोग इसको हृदय से न ले, हमारी बुआ जी, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं। अभी बड़ा ही सुंदर गीत सुना हमारे अग्रज भाई श्री पप्पू बेधड़क जी से। अब चूंकि झांकियों का भी दर्शन किया आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि जब कभी मंच पर कोई दृश्य काव्य का मंचन होता है, उसके बाद श्रव्य काव्य उतना प्रभावी नहीं होता। क्या बात है दादा? दृश्य काव्य के बाद, क्योंकि उसमें नृत्य भी हो रहा है, अभिनय भी हो रहा है और गायन भी हो रहा है, भले ही कैसेट के माध्यम से हो रहा था, लेकिन उसमें सब कुछ देखने को मिल रहा था। और अब वैसे भी ये श्रव्य काव्य चल रहा है, सुनने वाला काम, तो हम देखने लायक भी नहीं हो, सुनने लायक भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। सुनिए, सुने हो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं, हिम्मत जुटा रहा हूं कि कुछ बन जाए। कहते हैं, संकटों में मुस्कुराना सीख लो, संकटों में मुस्कुराना सीख लो और कंटकों में पथ बनाना सीख लो। हाँ, सफलता तो खुद ब खुद मिल जाएगी, पर दूसरों के काम में तुम काम आना सीख लो।
क्या बात है। इसी बात पर शमानी परम श्रद्धे उर्मिल गुरु जी की ओर से 51 रुपए आपके लिए आए। उन्होंने कहा कि आप देखने लायक भी हैं और सुनने लायक भी हैं। और मैं समझता हूँ कि बाबा बजरंगबली जी आ गए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि अभी मैंने देखा कोई कलाकार उनका करिश्मा, कोई कलाकार सीढ़ियों से नहीं उतरेगा। एक फिल्मी गीत बजा, आप लोग बहुत अच्छे से सुन चुके हैं उसको। एक मेरा एक राधा, ये हमारे अनुज भाई श्री शंभू अंचल जी की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं बाद में उर्मिल गुरु जी घोषित करूंगा। उर्मिल जी की ओर से, उर्मिल गुरु जी बीच गाने में पुरस्कार दें इसके लिए मना नहीं करता हूं मैं, क्योंकि घाटे में हो जाऊंगा। लेकिन बीच में बोलने के लिए आग्रह ना करें। चलिए हमारे भैया पप्पू भैया की ओर से, अब क्या बताएं, पप्पू भैया लोगों की बाढ़ है मंच पर। एक तो हमारे पप्पू भैया हमारे स्वयं बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष वो बैठे हैं, पप्पू आवारा जी हैं, पप्पू परवाना जी हैं। लेकिन ये गलत बात है पप्पू भैया, ये केवल फॉर्मेलिटी करके आपने पुरस्कार क्यों दिया जब सुनना नहीं था। मैं आग्रह करता हूं कि केवल फिल्मी गीत की पंक्तियां सुने। एक मेरा एक राधा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या देखो अंतर क्या दोनों की चाहे में देखो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी ये फिल्मी पंक्तियां थी। गीत सुनिएगा, शायद इस गीत को यहाँ इस मंच पर कानपुर में पहली बार गा रहा हूं। क्या बात है, जिस तरीके से फिल्मी पंक्तियां कहती हैं कि प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, भगवान कन्हैया की दो भक्त जिनकी तुलना की गई है, मेरे गीत में भी एक तुलना की गई है और उसको कृपया ध्यान से सुनिएगा। जन्म दिया था एक ही माँ ने, जन्म दिया था एक ही माँ ने, भाग का खेल निराला, जन्म दिया था एक ही माँ ने, भाग का खेल निराला, लेकिन एक को माँ ने जल में बहाया, एक को माँ ने जल में बहाया, एक को गोद खिलाया। अब समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं। अर्जुन और कर्ण दोनों की तुलना देखिए, एक मां से हो रही है। भैया हमारे शैलेंद्र त्रिवेदी जी,
एवं ये हमारे श्री संजय अवस्थी जी, क्या बात है, अध्यक्ष कीर्तन कला मंच रायबरेली, आप की ओर से भारी भरकम आशीर्वाद। 500 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं नमन करता हूं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को। आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा एक बार, और गीत को सुनिएगा आप, अच्छा लगे तब तालियां बजाइएगा। जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा लग जाए तब तालियां दीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो सके। कहना चाहता हूं हो माँ एक है, आप समझ गए होंगे, कुंती माँ की बात कर रहा हूं, कि जन्म दिया था एक ही माँ ने, भाग का खेल निराला, एक को माँ ने जल में पाया, एक को गोद में पाला, जल में बहा दिया कर्ण को, अर्जुन को गोद में पाला, तो कहना पड़ा क्या, के एक पाए, एक पाए माँ की ममता, दूजे के संग विषमता, एक पाए माँ की ममता, दूजे के संग विषमता, अंतर बना दोनों के पंश में देखो, अंतर बना दोनों के पंश में देखो, एक छत्री कहाए, एक छत्री कहाए, एक सूत कहाए, एक छत्री कहाए, एक एक छत्री कहाए, एक सूत कहाए, एक छत्री कहाए, एक सूत कहाए, एक सूत कहाए, छत्री कहाए, एक सूत कहाए, दूसरी बात, एक को गुरु ने श्रेष्ठ धनुर्धर, विचार करना पड़ेगा आखिर, एक को गुरु ने, मैं भाग की बात कर रहा हूं, किस्मत देखिए, कर्ण अर्जुन से किसी भी मामले में कमजोर नहीं था, किसी भी मामले में कमजोर नहीं था कर्ण, लेकिन भाग्य की बात है, क्या क्या, कि एक को गुरु ने श्रेष्ठ धनुर्धर कहकर जग को बताया, श्रेष्ठ धनुर्धर, गुरु द्रोणाचार्य ने सिद्ध कर दिया अर्जुन के लिए, लेकिन कर्ण के लिए कहीं कम नहीं था कर्ण, लेकिन वहीं पर दूजा गुरु से श्राप को लेकर, दूजा गुरु से श्राप को लेकर रंग भूमि में आया, एक कुल की शान दिखाए, एक कुल की शान दिखाए, दूजे पल लांछन आए,
एक कुल की शान बन रहा है, श्रेष्ठ धनुर्धर बन रहा है। दूसरा कर्ण अर्जुन से कम नहीं था और इतना तेज धनुर्धर था कि जब जब गुरु का सर उसकी जंघा पर रखा हुआ था, एक कीड़े ने पूरे जंघ को नीचे से ऊपर तक काट दिया। जब गुरु के कान में वो ताजे खून की पहुंच पहुंची, तब गुरु परशुराम जी ने कहा, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है, और उसको श्राप दे दिया, लांछन आ गया। तो एक कुल की शान दिखाए, दूजे पर लांछन आए, तो अंतर क्या दोनों के समय को देखो। अंतर क्या दोनों के समय को देखो, एक धनुष उठाए एक शीश झुकाए, एक धनुष उठाए एक शीश उठाए, एक हमारे शंभू भैया की ओर से एक माला और ये ढेर सारा पुरस्कार भेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई देता हूँ भाई शंभू जी के लिए। आखिरी अंतरा प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे अनुज भाई श्री लालमन चंचल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं रहते हैं, पूरे कीर्तन जगत में आप अपना झंडा लहरा रहे हैं। श्री लालमन चंचल जी की ओर से 101 पत्र मुद्राएं और हमारे पप्पू भैया, पप्पू बेधड़क बेधड़क माने बेधड़क, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं मुझे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हैं। आखिरी पंक्तियां सुनिएगा इस गीत की, सुने के एक धर्म के ध्वज के नीचे, हमारे पप्पू भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया अध्यक्ष बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति बुंदेलखंड, और मुझे बड़ा गर्व होता है जब पप्पू भैया किसी मंच पर पहुंचते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं इस समय, गर्व इसलिए होता है कि मेरे गुरुदेव पंडित स्वर्गीय दादा श्री मैयादीन तिवारी के चिरंजीव हुए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो काम, क्योंकि गुरुजी अल्प समय में देवलोकवासी हो गए, जो काम गुरुजी नहीं कर सके वो हमारे पप्पू भैया आज कर रहे हैं। कीर्तन को एक ऐसा मुकाम दे रहे हैं, पूरा कीर्तन जगत इनका कायल है। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू भैया के लिए, एक बार जोरदार तालियां। हमारे सम्माननीय श्री धर्मेंद्र राव जी, आपकी ओर से 500 पत्र मुद्राएं हैं, कोटि कोटि नमन करता हूं सम्माननीय राव साहब को। और सुनिएगा ये आखिरी पंक्तियां हैं, हालांकि तुलनात्मक गीत है, दो वीरों की कहानी है, माँ एक है। हमारे सम्माननीय श्री सतीश वर्मा जी जो लखनऊ से पधारे हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ, भाई एस के सैनी हमारे राजू भैया, सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, और इनकी तरफ से
भी ये 200 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आखिरी पंक्तियां सुनिएगा। एक धर्म के ध्वज के नीचे रण कौशल दिखलाए, सागा मा पधा पाधा मा पगारे सा गारे सा निधारे रे ग मा ग मा प मा पधा पधा सा निधारे। क्या बात है, क्या बात। एक धर्म के ध्वज के नीचे रण कौशल दिखलाए, हमारे सम्माननीय श्री सोहन बैरागी जी रायबरेली और अभी हाल ही में रायबरेली का एक बहुत बड़ा सम्मान आपको मिला हुआ है। मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं आपकी ओर से। ये 201 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैंने इनको वो सम्मान देते हुए चित्र देखा तो मेरा हृदय गदगद हो गया। भाई बैरागी जी, आप इस काबिल हैं, आप उस सम्मान के हकदार हैं। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। कीर्तन गौरव सम्मान मैंने लिखा था, ये कीर्तन गौरव सम्मान मिला जरूर है बैरागी जी को, लेकिन पूरे कीर्तन जगत का गौरव है, पूरे कीर्तन जगत का। आइए आखिरी पंक्तियां। एक धर्म के ध्वज के नीचे रण कौशल दिखलाए और दूजा विवश हो साथ अधर्म के। एक तो धर्म का साथ, एक धर्म के ध्वज के नीचे। अब जहां कन्हैया स्वयं हो सारथी, उसके धर्म ध्वज की क्या कहना। लेकिन दूजा विवश हो साथ अधर्म के, अरे मित्र का धर्म निभाए। भले ही वो अधर्मियों के साथ रहा कर, लेकिन एक धर्म उसने निभाया जिसको हम मित्रता का धर्म कहते हैं। और शायद मैं समझता हूं कि मित्रता का धर्म निभाने वाले के लिए वो सबसे बड़ा धर्म था। भले ही वो अधर्म के साथ में थे, लेकिन सबसे बड़ा अपना धर्म निभाया। कहना क्या के लीला क्या मुरली धर की। हमारे सम्मानीय श्री पंकज जी जो रायबरेली से पधारे हैं और बहुत ही अच्छे फनकार हैं, ये फनकार भी हैं और बहुत अच्छे आयोजक हैं कीर्तन के। रायबरेली में बहुत अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। भाई पंकज जी की ओर से 101 पत्र मुद्राएं मैं नमन करता हूं और मेरा प्रणाम पिताश्री से जरूर कहिएगा। पंकज जी, हमारे विनोद अनुरागी जी, अब इनका क्या कहना। एक तो नाम ही विनोद है, फिर अनुरागी, वाह क्या बात है, डबल लगा हुआ विनोद और अनुरागी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ओर से। एक से पत्र मुद्राएं हैं।
बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। ये कीर्तन जगत में एक उभरती हुई हस्ती निशा भारती जी, आपकी ओर से ये माला और पूरी मुट्ठी भर ये माल, मैं इसको खोलूंगा नहीं इस रात को, बहुत मैं खुद देख रहा हूं कि मुट्ठी भरी हुई है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कीर्तन जगत में आप हमेशा सदैव तरक्की करें निशा जी। लीला क्या एक धर्म के ध्वज के नीचे रण कौशल दिखलाए, तू जा बस हो साथ अधर्म के मित्र का धर्म निभाए। लीला क्या मुरलीधर की है, जलज कृपा गिरधर की, अंतर क्या कृपा के करने का देखो। जय हो। ये राखी जी हैं, आजाद हैं, जैसा हमारे पप्पू भैया कह रहे थे कि राखी आजाद। एक तो चंद्रशेखर आजाद हुए हैं भारत में, दूसरे राखी आजाद हैं। लेकिन अब तो मैं समझता हूं कि भले ही हम लोग लिखे ना अपने नाम के आगे, लेकिन आजाद हम सभी हैं। आजाद हम सभी हैं। क्यों? लीला क्या मुरली धर की है, जलज कृपा गिरधर की, अंतर क्या कृपा के करने में देखो। भगवान कन्हैया ने दोनों के ऊपर कृपा की, लेकिन अंतर क्या हुआ है? बस खास बात यह है, क्या क्या के अंतर क्या कृपा के करने में देखो। एक को ज्ञान सिखाए, गीता का ज्ञान दिया तब अर्जुन ने युद्ध किया। एक को ज्ञान सिखाए, एक से दान मंगाए, एक को ज्ञान सिखाए, एक से दान, एक को ज्ञान सिखाए, एक से दान मंगाए, एक को ज्ञान सिखाए, एक से दान मंगाए। सा गा मा पा धा, पा धा मा पा रे मा गा, गा रे सा नि धा रे, रे ग म ग म प म प ध प ध स नि स रे। ये हमारे भैया श्री चंद्र प्रकाश कनौजिया मैनेजर साहब, टिल्लू अंजाना ठठिया कन्नौज, समझ गए हम मैनेजर साहब को। 101 पत्र मुद्राएं आपकी ओर से, कन्नौज से आप पधारे हैं। और ये बहुत बड़ा पारितोषक है मेरे लिए, नव युग संकीर्तन मंडल चेतना आजाद गोंडा। इस बिटिया को मैंने यहीं देखा है मंच पर, मैंने बल्कि किसी से पूछा था रोशनी से कि ये लड़की कौन सी कलाकार है, तो उसने बताया कि चेतना आजाद है। तो मैंने कहा था ना भैया पप्पू कह रहे थे कि तो चंद्रशेखर आजाद हुए, दूसरी राखी आजाद, लेकिन अब देखो चेतना आजाद। और जब चेतना आजाद है तो हम सभी लोग आजाद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया चेतना आजाद की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 पत्र मुद्राएं श्री भैरव प्रसाद
मैनेजर आलमपुर स्टेट बैसवारा लालगंज रायबरेली आपकी ओर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब के लिए। कहना यही है क्या अंतरु क्या कृपा के करने में देखो एक को ज्ञान सिखाए एक से दान मंगाए मेरे लिए ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। हमारे बुंदेलखंड के ही नहीं अब पूरे भारत में कहना चाहिए जहां तक कीर्तन पहचाना जाना जाता है और ये परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे आदरणीय भाई श्री रवि हंगामा जी झांसी से जो पधारे हैं आपकी ओर से 201 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। आप जोरदार तालियां बजाइए सम्मानीय रवि हंगामा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक छोटा सा एक टुकड़ा दो पंक्तियों में चार हो जाएं तो बंद नहीं करूंगा लेकिन कहूंगा यही कि दो पंक्तियां हैं सुनिएगा।